नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार चीन का यह प्रोजेक्ट समस्त विश्व के जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है। तो हाल ही में मॉन्ट्रियल कनाडा में COP 15 की बैठक का आयोजन किया गया था। यह जो COP 15 का आयोजन था, यह यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के अभी समय का बैठक था। इस संधि को 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुए अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करना। 2022 में संपन्न हुए COP 15 बैठक की जो अध्यक्षता थी वह चीन के द्वारा की गई थी और चीन के जलवायु और पर्यावरण मंत्री क्वांग रुनक्यू, ध्यान रखिएगा, चीन के जैव विविधता और पर्यावरण मंत्री होंग रुनक्यू ने इस COP 15 की कमान या अध्यक्षता इस बार संभाली थी। इस सम्मेलन से पूर्व इस बार Post-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने की बात की गई थी, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में जैव विविधता की रक्षा की जा सके। अब यहाँ पर एक अध्ययन को हम लोग देखते हैं। इस अध्ययन के अनुसार जो कहा गया है, ये बेसिकली द ओशन कॉन्फ्रेंस जो 2017 यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ था, उस बैठक के दौरान जो मूल चीजें निकल करके आई थी, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि 37% जो वैश्विक आबादी है, विश्व की लगभग एक तिहाई जनसंख्या, वह समुद्री तटों के किनारे निवास करती है तथा वह सारी की सारी जो लोग हैं जो निवास करते हैं तटों के किनारे, वह न केवल अपने भोजन के लिए, अपने आय के लिए, इवन अपने स्टेबल क्लाइमेट के लिए और आर्थिक विकास के लिए इन समुद्र और तटों के ऊपर आश्रित रहते हैं, परंतु यदि वर्तमान समय की कुछ रिपोर्टों की हम लोग बात करें तो इन रिपोर्टों में बताया गया है कि वैश्विक परियोजनाओं में वृद्धि के कारण, जिनका विकास समुद्र के तटों के पास किया जा रहा है, उनके कारण इन तटों के आसपास की जो आबादी थी वह लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती आबादी के दबाव के कारण जो स्थानीय सरकारें हैं इन तटीय क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाएं, जो कि विकासात्मक परियोजनाएं मूल रूप से होती हैं, उनका विकास या वहां पे ये प्रोजेक्ट लगा रही हैं। इन परियोजनाओं में मूल रूप से ट्रांसपोर्टेशन परियोजना, पावर जनरेशन और इनके द्वारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा रहा है इन तटीय इलाकों में, इनका एक नकारात्मक प्रभाव न केवल हमारी पर्यावरण पर, हमारे भूमि पर, हमारे जल पे, अपितु वाइल्ड लाइफ के ऊपर और मरीन इकोसिस्टम के ऊपर यह परियोजनाएं नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। इन नकारात्मक प्रभावों के कारण जो हमारी वैश्विक जैव विविधता है वह कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंच रहा है और इस नुकसान से बचने के लिए ही किस प्रकार से हम लोग इस नुकसान को कम करें या किस प्रकार से नुकसान की भरपाई करें, इसके लिए 5 से 17 दिसंबर 2022 को ही मॉन्ट्रियल कनाडा में COP 15 का आयोजन किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस था। इस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया कि हिस्टोरिक बायोडायवर्सिटी डील जो थी यहाँ पे COP 15 में साइन की गई, या 20 दिसंबर 2022 की यह रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो हिस्टोरिक बायोडायवर्सिटी डील है यह COP 15 के बैठक के दौरान हस्ताक्षरित कर ली है और चीन का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक समझौता था जो कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन बायोडायवर्सिटी एंड एसोसिएशन एसोसिएटेड डिसीजंस को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, परंतु यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि चीन जो वर्तमान समय में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत न केवल चीन अपितु संपूर्ण विश्व में विकासात्मक परियोजनाएं स्थापित करने में लगा हुआ है और ये जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं कहीं ना कहीं
हमारे प्रकृति को, हमारे नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को और जैव विविधता को यह प्रभावित कर रही है। यदि हम लोग चीन के जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं उन्हें अगर ध्यान से देखें तो इन छोटे डॉट्स में इन्हें दर्शाया गया है, जो प्रत्येक विश्व विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका के देशों में इसे मूल रूप से हम लोग देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का की जैव विविधता और पर्यावरण जो है इन परियोजनाओं के कारण प्रभावित हो रही है। यह जो रिपोर्ट है यह रिपोर्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ग्लोबल एनवायरमेंटल एनवायरमेंट के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की ये जो परियोजनाएं हैं यह न केवल प्रकृति को अपितु स्थानीय स्तर पर रहने वाली जो समुदाय हैं उनको भी प्रभावित कर रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन रिपोर्टों में बताया गया है कि चाइनाज ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस पोजेस हेट्रोजीनियस रिस्क टू कोस्टल एंड मरीन सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम। दूसरी रिपोर्ट का हवाला है कि चाइना इज फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, मेनी कुड हार्म नेचर एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी। ये दो प्रमुख रिपोर्टें हैं जिन्हें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन रिपोर्टों के अनुसार बताया गया है कि जो चीन के द्वारा विकास की जा रहे हैं पोर्ट्स या बंदरगाह हैं वह मरीन इकोसिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं और विशेष रूप से वेस्टर्न अफ्रीका में विकास की जाने वाली जो बंदरगाहें हैं वह वहां के स्थानीय समुदायों के साथ साथ वहां के कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। अब यहां हम लोग सबसे पहले एक संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं कि चीन का यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। तो 2013 ईस्वी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया यह चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन संपूर्ण विश्व को एकीकृत करना चाहता है। किस प्रकार से, चाहे वह रेल परियोजना हो या रोड परियोजना हो या बंदरगाहों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में व्यापारिक जाल फैलाना चाहता है। अब चीन का कहना है कि इस परियोजना के द्वारा जो भी देश इस परियोजना में जो भी देश जुड़ेंगे उन सभी देशों का आर्थिक विकास होगा, परंतु इस परियोजना को हम लोग कहीं ना कहीं चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी के अंतर्गत भी जानते हैं। यदि हम लोग इस परियोजना के मूल ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इन ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, अनइम्पेडेड ट्रेड यानी असाधारण रूप से ट्रेड जो व्यापार है वह बढ़ जाएगा और पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट विश्व में होगा। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इन परियोजनाओं के द्वारा छोटे देशों को अपने ऋण जाल में फंसाता है और उन देशों में अपने अनुकूल नीतियां और नियम बनवा लेता है। इसका अगर हालिया उदाहरण हम लोग देखें तो श्रीलंका इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जो हाल ही में आर्थिक कुव्यवस्था के कारण वहां पर नागरिकों का विद्रोह हो गया था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में एक जियोलोकेटेड डाटा सेट का उपयोग किया गया। इस डाटा सेट में बताया गया कि चाइना जो है विश्व का सबसे बड़ा द्विपक्षीय लोन दाता राष्ट्र है और 2008 से लेकर 2019 तक के डाटा को जब खंगाला गया तो पता चला कि चीन जो है अपने इस BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से विश्व में लगभग 800 परियोजनाओं के ऊपर हाफ ट्रिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है उन राष्ट्रों में दिया है जहां इन 800 परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। अब यदि हम लोग देखें तो इन परियोजनाओं में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि रेल, रोड और पोर्ट्स परियोजनाओं के साथ साथ पावर प्लांट्स का विकास किया जा रहा है और इन परियोजनाओं का विकास मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विभिन्न देशों में किया जा रहा है जो मूल रूप से सेंट्रल एशिया और सार्क के या भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार
या फिर श्रीलंका, ये इन देशों में चीन के द्वारा इस प्रोजेक्ट के BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से निवेश किया जा रहा है। अब यदि हम इन प्रोजेक्ट के कुछ उदाहरणों को लें तो चीन ने इनके माध्यम से लैटिन अमेरिका विशेष करके अर्जेंटीना में एक मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कर रहा है। वहीं कीनिया में सब स्टैंडर्ड गेज की रेलवे कॉन्ट्रैक्ट चीन को इस परियोजना के लिए प्राप्त हुआ है, जो लगभग 700 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है जो पोर्ट मोम्बासा, ध्यान रखिए पोर्ट मोम्बासा को नैरोबी से जोड़ेगी। नैरोबी से जोड़ने के लिए, पोर्ट मोम्बासा को नैरोबी से जोड़ने के लिए इस रेल परियोजना का विकास किया जा रहा है। वहीं यदि हम लोग देखें तो तुर्कमेनिस्तान से एक तेल और गैस पाइपलाइन जो है वह चीन को जा रही है। वहीं एक अन्य परियोजना की यदि हम लोग बात करें तो 4 लाइन जो है सेंट्रल एशिया के देशों से चाइना के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन यहां पर प्रस्तावित किया है और इनका विकास यहां पर कर रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से यदि हम लोग एक उदाहरण को पकड़े तो मॉरिटानिया का उदाहरण यहां पे हम लोग देख सकते हैं। मॉरिटानिया में चाइना के कंपनी के द्वारा एक बंदरगाह का विकास किया जा रहा था और बंदरगाह विकास प्राधिकरण ने चीन की मछली पकड़ने वाली एक बड़ी कंपनी को वहां मछली पकड़ने का ठेका दे दिया। इस मछली पकड़ने वाली कंपनी ने वहां पर अनसस्टेनेबल रूप से फिशरीज प्रारंभ कर दी, जिसके कारण छोटे स्तर पर मछली पकड़ने वाले जो स्थानीय स्तर के समुदाय थे उनको आर्थिक नुकसान हुआ, उन्हें मछली पकड़ना बंद करना पड़ा। साथ ही साथ इस अनसस्टेनेबल फिशरीज के कारण मॉरिटानिया की तटीय इकोसिस्टम था वह नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। यहाँ पर इसके लिए एक कैंपेन भी चलाया गया था, एक पिटीशन भी लॉन्च किया गया था कि स्टॉप द चाइना फिशिंग डील डिजास्टर इन मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के उदाहरण के बाद वैश्विक संस्थाओं ने यह सोचा कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के माध्यम से जो विकासात्मक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जांच की जाए, और इसके लिए कुल 114 परियोजनाओं को चुना गया जो 39 लो एंड मिडिल इनकम देशों में विद्यमान थी। और इन परियोजनाओं का जो वित्त पोषण था वह चाइना डेवलपमेंट बैंक और द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के द्वारा किया जा रहा था। BRI प्रोजेक्ट के तहत चीन की इन दोनों वित्तीय संस्थाओं के द्वारा फंड की जा रही परियोजनाओं का यहां पर मूल्यांकन किया गया विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, और उसमें पाया गया कि इन दोनों वित्तीय संस्थाओं के द्वारा लगभग 65 बिलियन US डॉलर का फंड किया गया है 114 देशों की 39 परियोजनाओं में। और इन परियोजनाओं में मूल रूप से हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि क्या है, तो पोर्ट्स का विकास किया जा रहा है, रोड नेटवर्क का विकास किया जा रहा है, रेलवे का विकास किया जा रहा है, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, वहीं ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और विभिन्न एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के द्वारा न केवल उस देश की जैव विविधता और पर्यावरण अपितु तटीय इकोसिस्टम और जैव विविधता भी इनसे प्रभावित हो रही है। और WWF की एक रिपोर्ट में BRI को यह रिकमेंड किया गया है कि जब आप अपनी परियोजनाएं बना रहे हैं तो आप वहां पे उस देश में जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं और विशेष रूप से कि जो जैव विविधता को इन परियोजनाओं से खतरा उत्पन्न हो रहा है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास कीजिए। यहां पर यदि हम लोग देखें तो चीन की जो ये परियोजनाएं हैं यह विश्व के की बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अब यहां हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार जो रेल रोड ब्रिजेस पावर प्लांट और शहरीकरण का विस्तार हो रहा है कोस्टल क्षेत्रों में वह किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यहां हम लोग रेल का एक उदाहरण लेते हैं तो 40% जो वाटर है, अगर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, सड़कों का विकास नहीं हुआ है, ब्रिजेस का विकास नहीं हुआ है या शहरों का विकास नहीं हुआ है तो पर्यावरण 40%
पानी को वाष्पीकृत कर देती है और 10% पानी जो है यह समुद्रों की ओर या नदियों से होता हुआ समुद्रों की ओर चला जाता है। वहीं 50% जो आपका रेन बच जाता है तो यह ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम में आ जाता है। यदि शहरीकरण का विकास होता है तो 55% जो रेन वाटर है वह क्या हो जाता है, समुद्रों में चला जाता है और 30% जो है वो वाष्पीकृत होकर के वापस हमारे वायुमंडल में चला जाता है और केवल 15% के द्वारा ही हमारा वाटर लेवल जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वह रिचार्ज हो पाता है, जिसके कारण वर्तमान समय में बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वह अत्यधिक नीचे जा रहा है और हम लोग इसे वर्तमान समय में महसूस भी कर रहे हैं, जिसे हम जैसे हम लोग चेन्नई और शिमला का उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के द्वारा जो वेस्ट उत्पन्न हो रहे हैं, इन वेस्ट से न केवल मरीन इकोसिस्टम में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के मछली या सी वर्ड्स या शार्क या आपका रेज मछली, ये सारी की सारी इनसे प्रभावित हो रही हैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वेस्ट से और इन डेवलपमेंट गतिविधियों से। वहीं यदि हम लोग बात करें चीन के द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न पावर प्लांट्स की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पावर प्लांट्स है, जो लाइट्स है, वह माइग्रेटरी वर्ड के लिए अत्यंत ही सेंसिटिव हैं और वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड डे का जो इस बार का थीम था वह था डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट, यानी जो रात में हम लोग बल्ब वगैरह जलाते हैं, लाइट्स वगैरह जो जलाते हैं वह पक्षियों को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इन पावर प्लांट के कारण न केवल माइग्रेटरी वर्ड प्रवासी पक्षी अपितु स्थानीय स्तर पर निवास करने वाले जो पक्षी हैं वह भी प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से कोस्टल मरीन सिस्टम जो है वह इस BRI प्रोजेक्ट के कारण प्रभावित हो रहा है और प्रभावित होने वाले जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वह है कैरेबियन आइलैंड्स का। ध्यान रखिए कैरेबियन आइलैंड्स में आपका बारबुडा हो गया, एंटीगुआ हो गया, वहीं आपका बारबाडोस हो गया और भी अन्य आइलैंड है जहां चीन विभिन्न प्रकार के विकासात्मक गतिविधियां कर रहा है वो प्रभावित हो रहे हैं कैरेबियन आइलैंड में। वहीं हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में जो भी परियोजनाएं लगा रहा है चीन उसके द्वारा भी पर्यावरण को कोस्टल विशेषकर कोस्टल मरीन को प्रभावित की परियोजनाएं कर रही है। श्रीलंका का हम लोग हाल देख ही चुके हैं, न केवल आर्थिक स्तर पर अपितु श्रीलंका के इकोसिस्टम को भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के आइवरी कोस्ट का हम लोग उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पर जो स्थानीय आबादी है वह 1000 टन, ध्यान रखिएगा 1000 टन सालाना सी फूड को कंज्यूम करती है। अब वहां पर यदि चीन की इन परियोजनाओं के द्वारा अनसस्टेनेबल रूप से फिशिंग की जाती है तो इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इनका जो भोजन है, इनकी जो आजीविका है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। और यह न केवल आइवरी कोस्ट की बात है अपितु संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के जो प्रभाव है स्थानीय समुदायों के ऊपर वह पड़ने की संभावना यहाँ पर विभिन्न रिपोर्ट्स में व्यक्त की गई है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ सी फूड कंजम्पशन बाय कोस्टल इंडिजिनियस पीपल एक रिपोर्ट थी, इसमें यह बताया गया था कि 2.1 मिलियन कंजम्पशन जो है या मेट्रिक टन्स का कोस्टल इंडिजिनियस पीपल के द्वारा सी फूड्स का किया जाता है। यदि सी फूड्स नहीं मिलेगा इन्हें तो इन्हें भूखे रहना पड़ेगा और जो हमारा SDG गोल्स है उसे अचीव करने में इन अफ्रीकन कंट्रीज को या इन गरीब देशों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य के विकासात्मक गतिविधियों के कारण जो पृथ्वी की जैव विविधता है वह अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच चुकी है और हम लोग अपनी जैव विविधता को लगातार नष्ट करते जा रहे हैं। इसके लिए एक रिपोर्ट यहां पर मैं साझा करना चाहूंगा कि बताया गया है इंटरप्रेस सर्विसेज के द्वारा कि वी आर लूजिंग नेचर बायोडाइवर्सिटी एट द फास्टेस्ट रेट इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव के इतिहास में सबसे तेज गति से हम लोग अपने जैव विविधता को नष्ट करते जा रहे हैं या हमसे वह हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। किस लिए? तो हमारे विकासात्मक गतिविधियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न यहाँ पे हुई है।
और चाइना की यदि बात करें तो यूएन का भी कहना है कि जो पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर हम लोगों को अर्जेंट काम करना पड़ेगा हमारे नेचर को बचाने के लिए और मानव के अधिकारों को बचाने के लिए हमें अर्जेंटली कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे। और इसमें विशेष रूप से चीन का नाम लिया गया है क्योंकि चीन वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन कर रहा है और चीन को यहाँ पर नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताया गया है। और यहाँ पर यह जो नेतृत्वकारी भूमिका होगी, यह भूमिका मूल रूप से BRI प्रोजेक्ट्स के माध्यम से करनी होगी और BRI प्रोजेक्ट्स में चीन को इस प्रकार से कुछ न कुछ परिवर्तन करना होगा कि स्थानीय समुदायों को न केवल यहाँ पर कम से कम नुकसान हो अपितु जो जैव विविधता है उसे भी हानि न पहुंचे। इसीलिए जो वर्तमान दशक है 2020 से 30 का, उसे यूनाइटेड नेशंस ने द ओशन डिकेड घोषित किया है और हमें वर्तमान में अपने समुद्रों को भी संरक्षित करने का काम करना होगा। तो यह जो काम होगा हम लोग किस प्रकार से करेंगे और ये जो अध्ययन है उसमें क्या पता चला है कि जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए कई विकासात्मक जो कार्य किए जा रहे हैं उनके जोखिमों को स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता है यदि स्थानीय समुदाय और सरकारें इन परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभाव का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करती है। तो हमें यह पता चल पाएगा कि यह किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। यहाँ तक कि जो बंदरगाह हैं, जो तटीय राजमार्ग हैं और अन्य परियोजनाओं के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं और इन छोटे मोटे बदलावों से जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है और उन पर निर्भर जो हमारे समुदाय हैं, हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब इसके लिए चाइना ने क्या किया है कि 2021 में BRI ग्रीन रिव्यू नाम से एक रिपोर्ट जारी कर रहा है जो BRI सेक्रेटेरिएट के माध्यम से BRI इंटरनेशनल ग्रीन डेवलपमेंट कोलिशन के द्वारा जारी किया जाता है। इन रिपोर्टों में यह बताया गया है कि किस प्रकार से जो BRI प्रोजेक्ट्स के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं उनका जो प्रभाव है जैव विविधता के ऊपर या मरीन इकोसिस्टम के ऊपर या स्थानीय समुदायों के ऊपर उसे किस प्रकार से मिनिमाइज किया जा सकता है। वहीं 2022 में चाइना बैंकिंग रेगुलेटरी कमीशन ने चीन के वित्तीय संस्थानों को यह आदेश दिया है कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स को का वित्तीयन या फंडिंग कर रहे हैं उसके नकारात्मक प्रभावों का आकलन जो है वह पूर्व में ही कर लें और एक ऐसा मैकेनिज्म का विकास करें जो कि कंप्लेंट की सुनवाई यहां पर कर सके। वहीं WTO का कहना है कि चाइना को यहां पर एक नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए और उसके द्वारा जो भी विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उनका एक इंट्रोस्पेक्शन या आत्म मंथन या आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि इन परियोजनाओं के द्वारा जो हमारी जैव विविधता है उसे कम से कम नुकसान पहुंचे तथा हम जो 2030 में SDG गोल सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसे हम लोग आसानी से प्राप्त कर पाएं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी तथा चीन की ऋण जाल पॉलिसी के अतिरिक्त BRI प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि जैव विविधता को किस प्रकार से नुकसान यह परियोजनाएं पहुंचा रही हैं। सेशन से संबंधित कोई भी सुझाव, विचार या कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी रीच और अधिक बढ़ सके, या आपके ऊपर में ही है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक देखते रहिए मंथन क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।